तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं हमेशा जो आपके लिए कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ, तो ऐसे कंटेंट और लेकर के आया हूँ। मैं आज दिखाने वाला हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। एक हमारे पास एक आईटेल का फ़ोन है, विजन 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आईटेल का एक हमारे पास मॉडल है। ये जो विजन 1, यहाँ पे आईटेल की जो इसका मॉडल नंबर है, ये आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अभी फ्रेंड्स, एक्चुअल में इसमें लगी है गूगल अकाउंट FRP। तो हम करते हैं नेक्स्ट और करते हैं स्किप, और यहाँ पे जस्ट सेकेंड चेकिंग फॉर चल रहा है। देखते हैं क्या इसमें FRP लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है फ्रेंड। तो सारा चीज़ मैं यहाँ पे लाइव करने वाला हूँ, और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप इसकी कैसे इजली तरीके से आप इसके FRP रिमूव कर सकते हैं। तो डोंट कॉपी आपको यहाँ पे कर देना है। अब आप देखेंगे कि चेकिंग, तो आप देख सकते हैं, या तो आप गूगल चूज कर सकते हैं या तो पैटर्न। तो जैसे आप गूगल को चूज करेंगे, तो आपके यहाँ पे जीमेल के लिए बोलेगा कि आप यहाँ पे जीमेल अकाउंट अपना डालिए। तो आप देख सकते हैं कोई भी स्किप बटन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। आई होप आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके चलिए FRP बहुत ही ईजी तरीके से हम रिमूव करने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, चलिए। तो हम यहाँ पे जो आईटेल का फ़ोन है, इसका विजन 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं विजन यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको, विजन 1, और इसको हम बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इसको हम मिरकल से करेंगे, मिरकल थंडर से हम इसको करने वाले हैं इसकी FRP। तो हम मिरकल थंडर को हम लगा देते हैं, क्योंकि बातें भी करते रहेंगे और काम भी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हमने मिरकल थंडर को लगा दिया है, हमारा नेट कनेक्ट है, और हम मिरकल थंडर को हम कर लेते हैं ओपन। और मिरकल थंडर एक ऐसा टूल है कि अगर ये अपडेट आता है तो आपको बता देता है कि न्यू अपडेट आ चुका है, जाइए इससे अपडेट करिए और तभी हम ओपन होंगे। तो मिरकल थंडर हमारा ये खुल जाएगा। जैसे ही खुल जाएगा फ्रेंड, उसके बाद मैं यहाँ पे सारा चीज़ करने वाला हूँ आपके सामने लाइव। और हम फोन को कर देते हैं प्रॉपर तरीके से ऑफ, हम फोन को कर देते हैं बंद। यहाँ पे सिंपल तरीके से फोन को हमने ऑफ कर दिया है। तो सबसे पहले आपको वैल्यूम अप दबा के कनेक्ट करना है, या तो डाउन दबा के कनेक्ट करना है, या तो अप डाउन दोनों दबा के कनेक्ट करना है। ये सारी कनेक्टिविटी होती है, इसकी बूटिंग होती है। तो मैं आपके सामने लाइव करने वाला हूँ कि इसका देखते हैं कि काम होता है कि नहीं होता है। हम मिरकल थंडर से इसकी लाइव करने वाले हैं। तो मिरकल थंडर जैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा, उसे ही हम फटाक से यहाँ पे काम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जस्ट सेकेंड, मिरकल थंडर हमारा ये ओपन हो भी चुका है, ओपन हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब सिंपल और सिंपल हमें जाना कहाँ पे है, हमें जाना है SPD में जाना है। SPD में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते होंगे रिसेट FRP। आपको जाना है SPD और जाना है सर्विस में, और जाना है आपको रिसेट FRP में जाना है। उसके बाद आईटेल अगर आपका ब्रांड है तो ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो आप CP वाइज जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्रांड वाइज ही चले जाते हैं आईटेल, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो है कि नहीं है। आईटेल का यहाँ पे आप मॉडल तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, विजन विजन 1 है, विजन 1। तो यहाँ पे विजन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे विजन 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार हम विजन 1 को ले सकते हैं, नहीं तो एक बार हम बूटिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं, बिना CP वाइज भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं है, पर फिलहाल हम विजन को ले लेते हैं और हम कर देते हैं एडवांस। देखते हैं होता है कि नहीं होगा, तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, नहीं होगा तो सीधा हम CP वाइज जाके करेंगे। तो हम सिंपल कर देते हैं स्टार्ट बटन, और उसके बाद देखिए जब हमारा USB सर्चिंग पोर्ट के लिए आ जाए, वेटिंग के लिए आ जाए, तब आपको करना क्या है, वैल्यूम अप दबा करके आपको डाटा केबल को इन करना है। वैल्यूम अप दबाया हमने, डाटा केबल को इन किया, तो देखिए हमारी कनेक्टिविटी हो गई तो नहीं हुआ। फिर से आपको ट्राई करना है, इस बार वैल्यूम डाउन दबा के करना है। तो इस बार पहले हमने वैल्यूम अप दबा के किया, अब हम वैल्यूम डाउन दबा करके करते हैं। तो वैल्यूम डाउन और USB केबल इन, हमने वैल्यूम डाउन दबाया और USB केबल इन किया, तो पोर्ट बनाया यहाँ पे। तो वैल्यूम डाउन दबा के हमारा ये फोन कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड, बूटिंग भी ले लिया है, और FRP रिसेट देखते हैं कि जॉब डन होता है कि नहीं। तो फाइनली ये जॉब डन हो चुका है आई थिंक, क्योंकि नहीं होता तो यहाँ पे बूट नहीं करता। पर वैल्यूम डाउन, इसकी जो बूट की है मैं आपके सामने लाइव किया, क्योंकि आपको ऐसे ही करना होता है। आप बहुत सारे भटकते हैं कि वैल्यूम अप है, वैल्यूम डाउन है, कि क्या है, सारा चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने लाइव वीडियो बनाता हूँ कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं रिसेट FRP, जस्ट वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। और नहीं होता तो मैं आपको दूसरा ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको मॉडल वाइज ब्रांड वाइज ना जा करके आप CP वाइज भी कैसे कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से अनलॉकिंग। तो ये जो आपका मिरेकल थंडर है, तो देख सकते हैं FRP रिसेट जॉब डन हो चुका है, ये हमारा फोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं FRP रिसेट डन,
यहाँ पे आप देख सकते हैं हो गया। फाइनली जो इसका बूट था उसका वॉल्यूम डाउन था, ये फाइन देख सकते हैं फाइनली ऑन हो चुका है। अगर आपको यहाँ से दिखाई देगा तो मैं यहीं से इसके फारपी हटाने की मतलब फाइनली ऑन करने की फुल कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। इससे ये रहता है कि लाइव हमको एडिट नहीं कर सकते हैं और लाइव आपको ये दिखेगा कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जस्ट ए सेकेंड हम करते हैं स्किप, शायद आपको ना दिखे तो मैं अपने मोबाइल से दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा जो वर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको अपने फ़ोन से इसको दिखा देता हूँ कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट ए सेकेंड लिख रहा है, मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो फाइनली मैं अपने फ़ोन में करके दिखा देता हूँ कि क्योंकि देखिए लास्ट तक अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो हालांकि स्किप का बटन आ चुका है आपको, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्किप का बटन आ चुका है। ये देखिए कॉर्नर में आप देख सकते हैं स्किप का बटन आ चुका है। तो चलिए मैं यहीं पे फाइनली फुल सेटअप कर देता हूँ स्किप स्किप। एनीवेज आपको स्किप का बटन दिख गया होगा फ्रेंड, तो जस्ट अ सेकंड यहाँ पे दिख रहा है मोर, और एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कर देना है स्किप स्किप एनीवेज और स्किप, और यहाँ पे नॉट नो, और यहाँ पे कर देना है स्किप। हालांकि व्हाइट के कारण आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि और हमारे काफी वीडियो में आपको दिखाई देता है। तो ये देख सकते हैं वन क्लिक में हमने यहाँ पे आईटेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे S1 Pro ले लिया था यहाँ पे हमने यहाँ पे, तो हमारे जॉब डन हो गया था। विजन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, अभी फाइनली चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ज्यादा ब्राइटनेस के कारण आपको, कोई बात नहीं है, मैं फ़ोन से भी दिखाता, तो फेक वीडियो मैं कोई भी अपने चैनल में नहीं डालता हूँ फ्रेंड। जो भी मैं डालता हूँ जेनुअन डालता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ समझ में आए। तो यहाँ पे कर देते हैं एग्री, और यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सारे स्टेप्स मांग रहा है, तो आपको ये नॉर्मल स्टेप्स है जो आप चालू करते हैं फ़ोन। तो ये देख सकते हैं फ़ोन हमारा फाइनली ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं फाइनली हमारा ये फ़ोन ऑन हो चुका है। अगर आपको दिखाई दे जाए तो ये देखिए फाइनली हमारा ये फ़ोन ऑन हो चुका है, जॉब डन हो गया है, ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और देख करके, क्योंकि ये फ़ोन हमारा फाइनली तरीके से ऑन हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आपके सामने मैंने लाइव ये आईटेल का जो फ़ोन है Vision 1, ये हमने यहाँ पे आपके सामने लाइव करके दिखाया है कि कैसे आप SPD CPU का FRP रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। अगर आपको ब्रांड नहीं सेलेक्ट करना था यूनिवर्सल, तो इसका आपको CPU पता करना था, तो इसका जो CPU आपको कैसे पता करना है, क्या है सारी चीज़ें, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो CPU था 9863A, तो यहाँ पे 9863 हम देख लेते हैं कि है भी कि नहीं है। 9863, ये छोटा सा एक अपडेट है, क्योंकि अगर आपका वैसे नहीं होता तो 9863 आपको चूज़ करना पड़ता, तो 63 शायद नहीं है, आई होप ये है 9863A। तो आपको यहाँ पे सीधा करना है, इसको क्लिक करना था, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है देख सकते हैं, 9863A, 9863A, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे वन बाई वन सेलेक्ट करके, और यहाँ पे भी आप एडवांस पे टिक करके स्टार्ट बटन करके आप उसकी FRP रिमूव कर सकते थे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।